ग्रहों के नाम याद करने का एक नवाचार बता रहे हैं। उसमें क्या है कि जैसे हम कक्षाओं में जाते हैं तो बच्चों से पूछते हैं कि बच्चों ग्रह कितने होते हैं और क्या क्या उनके नाम है, तो वो बता नहीं पाते। तो आज एक कहानी के माध्यम से ग्रहों के नाम याद करने का हमने तरीका निकाला है, शायद आपको पसंद आएगा। तो कहानी कुछ इस तरीके से है कि दो भाई थे, एक का नाम था अरुण और दूसरे का नाम था वरुण। इनमें से अरुण बड़ा भाई था और वरुण छोटा भाई था। दोनों में खास बात थी कि दोनों पढ़ने में बिल्कुल खराब थे, इसलिए स्कूल से बचते थे। अक्सर जब स्कूल जाते तो काम ना करने की वजह से सर उनको डांटते थे और जब घर आते तो मम्मी पापा डांटते थे। दोनों बहुत परेशान हो गए क्योंकि पढ़ाई दिमाग में बैठती नहीं थी। तो दोनों ने एक दिन बैठ के तय किया कि भैया क्या करें, हमें तो पिटाई हमारी हमेशा होती ही है, तो कोई ऐसा तरीका निकालो कि हम पिटाई कम से कम हमारी हो। तो दोनों ने कहा, अरुण ने और अरुण ने मिलकर आपस में कहा, एक काम करते हैं कि हम एक दिन स्कूल जाएंगे, अगले दिन छुट्टी करेंगे, फिर स्कूल जाएंगे। वरुण बोला, भैया उससे क्या होगा। अरुण ने कहा कि जिस दिन स्कूल जाएंगे मास्टर जी काम देंगे, काम देंगे तो अगले दिन चेक करेंगे, उस दिन हम जाएंगे नहीं, तो जब अगले दिन जाएंगे स्कूल में तो फिर मास्टर जी काम देंगे, तो इससे हम लोग पिटाई से बच जाएंगे। तो उन्होंने कहा ठीक है, अब बात आई कब से जाना शुरू करें। तो वरुण ने कहा, भैया एक काम करते हैं, शनिवार से चलते हैं। अरुण बोला कि वरुण अरे तो पागल है क्या, शनिवार से जाएंगे तो अगले दिन तो रविवार पड़ता है और हमें अगले दिन स्कूल जाना नहीं है, तो जब छुट्टी ही पड़ रही है तो शनिवार से नहीं चलते, हम जाएंगे सोमवार से। वरुण ने कहा, भैया तुम तो अपनी बात हमेशा बड़ी करते हो, सोमवार से स्कूल नहीं जाना मुझे, इतवार को तो मैं जब सो के उठूंगा तो मुझे देर हो जाएगी, सोमवार से नहीं जाएंगे भैया, सोमवार को हटाओ, हम शुक्रवार से जाएंगे। फिर अरुण बोला, आज अरुण अपनी बात को बड़ी क्यों करना चाहता है। तो उन्होंने कहा कि वरुण शुक्रवार से नहीं जाएंगे, मंगल से जाएंगे, मैं बढ़ाऊँ मेरी बात को मानूँ। वरुण बोला, भैया मंगल को कोई अच्छा काम नहीं किया करते, इसलिए हम मंगल को नहीं जाएंगे, हम जाएंगे बृहस्पतिवार को। फिर अरुण ने कहा, आज वरुण बहस बहुत कर रहा है, तो हमने कहा कि बृहस्पतिवार को नहीं जाना है, हम जाएंगे, अब की बात तेरी न मेरी, हम बृहस्पतिवार को नहीं जाएंगे, हम जाएंगे बुधवार को। दोनों ने तय किया ठीक है, क्योंकि वरुण ने भी सोचा अब कोई दिन तो बचा नहीं है, भैया की बात मान लेने में भलाई है, तो ये आ गया बुध। अब अगर दोनों भाई बुधवार को जा रहे हैं, अगले दिन नहीं जाएंगे कौन से दिन, बृहस्पतिवार में, फिर कौन से दिन जाएंगे, शुक्र में, फिर वो बृहस्पति छोड़ के आएंगे शुक्र में। अब जब शुक्रवार हो जाता है और शनिवार को स्कूल जाना नहीं है, तो फिर कौन से दिन जाना पड़ेगा, रविवार को, रविवार को रहती है छुट्टी। दोनों भाई एक दिन स्कूल छोड़कर जाने में इतने मस्त थे, उन्हें ध्यान ही नहीं रहा कि रविवार है। दोनों पहुंच गए स्कूल, देखा क्या स्कूल में ताला लगा है, एक भी बच्चा नहीं आया है। दोनों बहुत खुश हुए, भैया आज तो हम सबसे पहले स्कूल पहुंच गए, तो अब क्या करें। बोला, मास्टर जी के आने से पहले पहले स्कूल में कूद पड़ो, ताले की चाबी तो हमारे पास है नहीं। तो दोनों स्कूल के अंदर कूद गए, काफी देर तक जब कोई नहीं आया और उन्हें दिखा, उन्हें याद नहीं रहा कि आज रविवार है, तो उन दोनों ने खूब धूमधाम मचाया, खूब धूम मचाई, खूब खेले, खूब कूदे। तो आप बताएं, खेले कूदे गए पर जमीन पर, खूब उन्होंने वहां पे मस्ती की। तो जब जमीन पर मस्ती की, कोई आसमान में रुकी नहीं, तो जब जमीन पर मस्ती की तो जमीन को क्या कहा जाता है, पृथ्वी। तो अगला ग्रह आपका आ गया पृथ्वी। अब जब रविवार को पहुंच गए, सोमवार को उनको स्कूल जाना नहीं है, तो जो सोमवार को स्कूल नहीं जाना है तो कौन सा दिन जाएंगे, वो मंगल में। ये आ गया मंगल, ये आ गया मंगल। मंगलवार में जाने के बाद उनको कौन से दिन स्कूल नहीं जाना, अब बुधवार में, तो कौन से दिन जाएंगे, बृहस्पतिवार में। ये आ गया आपका बृहस्पति। और बृहस्पतिवार में जाने के बाद उनका काम चेक होगा शुक्रवार में, जिस दिन वो नहीं जाने वाले हैं। तो जब शुक्रवार में नहीं जाएंगे तो फिर कौन से दिन स्कूल जाना है उनको, शनिवार में। ये आ गया शनि। अब शनि के बाद कोई दिन तो बचा नहीं है, अब क्योंकि हम बच्चों को ग्रह के नाम बताने वाले हैं तो केवल दो ही बचते हैं, जो बड़ा है उसे पहले लिख देते हैं, ये रहा वरुण, और उसके नीचे छोटा भाई, ये रहा वरुण। तो इस तरीके से आपके सामने इस कहानी के माध्यम से ये सारे ग्रहों के नाम आ गए, जो आप याद भी कर सकते हैं, ये कहानी को रोल प्ले में देख भी सकते हैं। अगर हम इसको एक गैलेक्सी के रूप में दिखा दें आपको, जो आप अक्सर किताबों में देखते हैं, ये तो है सूर्य। आप देखिएगा पहली कक्षा में जो आपको सूर्य से दूरी के अनुसार ये दिखाए गए हैं, तो पहले तो आपका बुध आता है,
उसके बाद आपका आता है शुक्र। फिर आपका आएगा पृथ्वी। इसके बाद आपका आएगा मंगल। फिर उसके बाद आपका आएगा बृहस्पति। इसके बाद आपका पहुंच रहा है यहां पर अगली कक्षा में शनि और वरुण। आप चाहें तो चेक भी कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि नवाचार आपको पसंद आया होगा अपनी कक्षा में हम, और आप इसे यूज करेंगे और बच्चे आसानी से इसको याद कर लेंगे। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये पसंद आया हो तो आपका धन्यवाद चाहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।